इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर मंदसौर से, जहां इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। जिला कलेक्टर ने नर्स को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें नर्स की लापरवाही की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर देखने को मिला और जिला कलेक्टर ने नर्स को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर बच्ची को देखने पहुंचे थे, लेकिन नर्स ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यहां के जो डॉक्टर्स है वो ऑन ड्यूटी है और वो बच्ची को देखेंगे। ऐसे में इलाज वक्त पे न मिलने से बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और नर्स को बर्खास्त कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिला कलेक्टर ने पूरे मामले में एक्शन लिया और नर्स को निलंबित किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय हमारे संवाददाता फोनलाइन पर बने हुए हैं। जी अजय, नर्स को हटा दिया गया है, लेकिन संबंधित डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी फोन पर बातचीत हुई थी इस मामले को लेकर? बिल्कुल मोनिका, देखिए मामला ही तब सामने आया था जब एक जनप्रतिनिधि ने, नेता ने एक फोन लगाया था जिला चिकित्सालय में कि जो बच्ची है उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्टर ने फोन पर यह कहा कि वो इलाज करने गए थे, लेकिन वहां पे जो स्टाफ नर्स थी उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि जो ड्यूटी डॉक्टर है वो आने ही वाले हैं तो वही उसको देखेंगे। और इस दरमियान जो समय निकला वो समय उस बच्ची की जिंदगी के लिए बहुत भारी रहा और उस बच्ची की कुछ देर बाद मौत हो गई। सवाल बड़ा ये भी है कि कलेक्टर ने कार्रवाई तो कर दी है, नर्स को निलंबित कर दिया है, डॉक्टर घनश्याम पाटीदार को शोकाज नोटिस जारी किया है, लेकिन इससे होगा क्या? कलेक्टर ने भी ये बात मानी है कि अगर बच्ची को समय पे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच पाती। ये बात अगर कलेक्टर भी मान रहे हैं तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि हम वैसे भी देखते हैं कि आए दिन जिला चिकित्सालयों में जो शासकीय अस्पताल है इनमें लापरवाही के मामले सामने आते हैं। और कलेक्टर ने ये कहा है कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और भी कार्रवाई करेंगे। कारण सबसे बड़ा ये भी है कि जो बच्ची जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए आई थी वो उससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज न करवाते हुए लोग सिविल हॉस्पिटल में उसके परिवार के लोग लेके आए थे, जिसकी बात सराहना कलेक्टर ने भी की। उन्होंने कहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा था सिविल हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन नर्स और डॉक्टर का जो मनमुटाव के कारण बच्ची को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष बच्ची इस उधेड़बुन में जो है अपनी सांसें उसकी टूट गई। और कुल मिलाकर के स्थिति की कार्रवाई तो हुई है, लेकिन ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल अजय, क्योंकि परिवार, जिस तरीके से कलेक्टर ने कहा कि विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस तरह की घटना आएगी तो विश्वास तो कम ही होगा और एक दिन विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई ऐसे हॉस्पिटल्स की लापरवाही की वजह से जो मासूम बच्चे होते हैं या फिर वो लोग जो जिन्होंने इलाज के लिए वहां पहुंचते हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल मोनिका, और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो जनप्रतिनिधि हुए, नेता हुए, सरकार हुई, जो हर बार ये कहती है कि हम अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन उसके उलट जो यहाँ पर प्रशासनिक जो डॉक्टर हैं और नर्स हैं इनका जो रवैया रहता है उस तरीके की अगर देखा जाए तो आम आदमी विश्वास तो जिला चिकित्सालय के प्रति टूटता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बच्ची यानी किसी घर की खुशियां आज पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है, और एक छोटा सा मनमुटाव अगर वो नर्स, क्योंकि कलेक्टर ने बात मानी है कि अगर नर्स और डॉक्टर के बीच मतभेद ना होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, और जो स्थितियां बन रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर थे वो आने में लेट हो गए और जो मौजूद डॉक्टर वहां पर घनश्याम पाटीदार थे उनको इलाज नर्स ने नहीं करने दिया। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि नर्स जो कि डॉक्टर से छोटा रैंक होता है वो नर्स एक डॉक्टर को इलाज करने से रोक देती है, तो जिला चिकित्सालय की स्थिति क्या हो सकती है अपने आप में समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बच्ची जो कि निर्दोष थी वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, जबकि जो कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के इतर उस माँ बाप ने अपने बच्चे को खो दिया जिन्होंने इस अस्पताल पर विश्वास जताया था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।